हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का NSO। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है फूड एंड इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रीना टुक सम मूंग सीड्स एंड सोव्ड विद द ओवन नाइट इन द वाटर। नेक्स्ट डे आफ्टर ड्रेनिंग आउट द वाटर सी रैप द सीड इन द वेट क्लॉथ। आफ्टर वन डे सी ऑब्जर्व ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ द सीड्स। द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर शुड बी डबलिंग। देखिए क्या है कि रीना ने मूंग का सीड लिया और उसको उसने पानी में भिगो दिया। फिर अगले दिन उसने क्या किया कि उसको गीले कपड़े में बांध के रख दिया। फिर उसमें देखती है कि उसमें से छोटे छोटे कुछ निकलता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो वो चल के आगे बन के क्या बनेंगे। तो देखिए जो वाइट पार्ट निकलता है चने से, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आगे चल के क्या बनेगा, आपका रूट बनेगा। वो किसका जगह लेता है प्लांट में, रूट का जगह मिलता है, ठीक है ना। देखिए जो भी सीड होते हैं तो उनके अंदर एम्ब्रियो का जो इनसाइड होता है, ठीक है ना, तो जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है, ठीक है ना। विच गिव्स राइज टू रूट्स एंड द पार्ट ऑफ कार्ड पेम्यूट। और जो सीड से बाहर निकलता है वो क्या बनता है, आपका रूट बनता है, ठीक है। अब देखिए और जो पेम्यूल होता है, पेम्यूल क्या होता है, ऊपर जाता है और ये बनाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम किसे कहते हैं, प्लांट जमीन के ऊपर जो प्लांट का भाग होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं और जमीन के नीचे जो उसे रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो वो है आपका स्कर्वी, SCURVI, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर बी, कैरेट एंड पम्पकिन आर द रिसोर्स ऑफ, तो कैरेट और पम्पकिन किस चीज़ के रिसोर्स हैं, विटामिन ए के। पेलाग्रा इज द डिफिशेंसी ऑफ विच, तो पेलाग्रा जो बीमारी है वो किस से होती है, विटामिन B3 से। और डिफिशेंसी ऑफ लीज टू रिकेट्स इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में रिकेट्स किसकी वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन डी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर, दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, दे एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच फॉलोइंग फूड्स आइटम आर ऑब्टेन द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं प्रोड्यूसर हैं, यानी कि ये चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह गया कि एक्स्ट्रा फूड जब इनके बॉडी पार्ट्स में आपका होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसमें बताते हैं कौन कौन सा पार्ट्स हम खाते हैं किसी प्लांट का। तो देखिए ये है आपका आलू और अदरक। तो आलू अदरक का हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ठीक है, स्टेम खाते हैं। और ये है आपका क्या, ये साग है और ये पत्ता गोभी है। तो इसकी हम क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, यानी कि पत्तियाँ खाते हैं इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे लीफ, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, ब्रोकली, और ये फूल गोभी है। तो इसका हम क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, फ्लावर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपका पी है और ये ग्रेन्स है। तो इसके हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। तो क्या बन रहा है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें क्या बताना है, देखिए, एल हैव टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग आई साइट एंड हेल्दी स्किन, एम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स इन द चिल्ड्रन। तो देखिए एल जो है वो हमारे आई साइट को और हमारी स्किन को हेल्दी करता है, एम जो है वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ जो बोन्स होती हैं उसको आगे बढ़ाता है, एन जो है एसेंशियल है हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग, जो हमारी मसल्स हैं उनके लिए और हमारे नर्व्स के लिए, और ओ इज़ नीडेड नेचुरल क्लॉथिंग ऑफ बटर ब्लड। तो ओ जो है वो हमारा ब्लड जो क्लॉट होता है उसके लिए ये ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई हमें करना है एल एम एन ओ में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है एम इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन एक्सपोज टू सन, बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी। और यहाँ पे लिखा है कि इस जो एम है, ठीक है ना, एम कहाँ पे, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स। तो विटामिन डी हमें चाहिए हमारे हड्डी को मजबूत रखने के लिए। साथ ही साथ फिर है यहाँ पे एन इज़ मिनरल डिफिशेंसी ऑफ कॉजेस स्पैम्स पुअर डाइजेशन एन्जाइटी एंड स्लीपलेस नाइट, ठीक है। तो देखिए देखिए एन जो है, एन है आपका विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी भी हमें चाहिए, ठीक है ना। और एल आपका लगभग स्ट्रांग आई साइट के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए, क्योंकि रतौंधी हो जाता है इससे, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो विटामिन ए चाहिए एम की जगह पे, और एन की जगह पे हमें क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ठीक है ना। इससे
आपका डाइजेशन एनजाइटी ये सब कम होता है। उसके बाद है सी नंबर, कॉड लीवर इज़ गुड सोर्स ऑफ बोथ एल एंड ओ। तो देखिए एल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एल का मतलब आपका होगा विटामिन ए, तो विटामिन ए हमें चाहिए कॉड लीवर के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ओ में आपका क्या है, ओ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड क्लॉट की जो बात होती है ये किस विटामिन से हमें मिलती है, विटामिन के से। तो क्या विटामिन के यहाँ पे रिच सोर्स है लीवर ऑयल का, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर मिनरल्स पी क्यू आर एस, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन बीच। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है आगे, देखिए पी क्या लिख रहा है, इट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे प्रॉपर फंक्शनिंग कौन करता है, आयोडीन, आयोडीन। इट हेल्प मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस, तो बॉडी का वाटर बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो करता है सोडियम, ठीक है। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का रोल है, ठीक है ना। इसी आयरन की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, ग्रीन, सॉरी रेड कलर का होता है। इट स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ और बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो हमारे दांत है और बोन्स हैं उनको कौन हार्ड करता है, तो यह कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या बन रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे डिफिशेंसी ऑफ पी कॉज ड्राइनेस, तो पी आयोडीन की कमी से ड्राइनेस आपकी आइज की होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। क्यू इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, देखिए क्यू जो है सोडियम, तो बिल्कुल ठीक है, जो सोडियम होता है वो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम जो होती है हमारी उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर बी, यहीं पर आपका सही दे रखा है। डिफिशेंसी आर कॉज ग्वाइटर, देखिए आयरन की कमी से आपके ग्वाइटर नहीं होता, आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या बताना है कि वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फूड, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि हम जो प्लांट होता है उसके अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, कभी रूट खाते हैं, कभी स्टेम खाते हैं, कभी फ्लावर खाते हैं, कभी फ्रूट खाते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा चीज़ें यहाँ पे हैं। तो W क्या है यहाँ पे, फ्लावर, ये स्टेम, ये आपका, ठीक है, ये क्या फ्रूट है, और ये आपका जेड क्या है, रूट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस किस चीज़ों का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं। तो देखिए W फ्लावर, फ्लावर में हम कौन सी चीज़ खाते हैं, ब्रोकली, तो ब्रोकली आपका कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसके यही इसका सही आंसर होगा। और देखिए X जो टर्मरिक होता है, यानी कि जो आपका हल्दी होता है टर्मरिक, वो स्टेम का बना होता है, बिल्कुल ठीक है। और जो Y है, जो फ्लावर है ना, फ्लावर जब खिलना होता है कली, तो उसका हम क्लब, यानी कि क्लब का मतलब क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, तो लॉन्ग खाते हैं। फिर R जेड, जेड क्या है यहाँ पे, रूट, तो रूट रेडिस, यानी कि जो मूली होती है, मूली का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। तो देखिए आयरन की कमी से एनीमिया होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, लेकिन सोडियम की कमी से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल भी नहीं। बेरी बेरी की बीमारी किससे होती है, विटामिन बी से, किससे होती है, विटामिन बी से। क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पे आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहाँ पे कोई मटेरियल एक्स है, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है और कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाला जाता है, और जब इसको हिलाया जाता है थोड़ा सा, तो किस में बन जाता है, वायलेट कलर का ये बन जाता है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है, तो कॉस्टिक कॉपर सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का हम जब करते हैं और ये वायलेट कलर देता है, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल एक्स है वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या करता है, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, अगर उसमें प्रोटीन है तो ये वायलेट कलर देता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ट्रू फॉल्स बताना है, सरक्रोज इज द शुगर फाउंड इन द मिल्क, बिल्कुल भी गलत है, ये फॉल्स है। कौन सा शुगर मिलता है आपका मिल्क में, तो ये मिलता है लैक्टोज। अगला है, सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर वाइल अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड द रूम टेम्परेचर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड होते हैं। फिर थर्ड नंबर, फैट सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर बॉडी नीड्स टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड, तो ये फॉल्स है आपका,
ठीक है। और सीधी सी बात है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, ये हमारे फैट टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें ये जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर लिखा है विटामिन सी वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड ईजिली डिस्ट्रॉय बाय द कुकिंग, तो ये ट्रू है। जो विटामिन सी होता है वो जल्दी ही आपका क्या होता है, गर्म करने पर ख़त्म हो जाता है। फिर 5 नंबर, आवर बॉडी कैन मेक 2 विटामिन्स के एंड डी, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारी बॉडी 2 विटामिन का फॉर्मेशन करती है, कौन सा, के और डी का, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन फूड ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो स्टेम ऑफ द प्लांट का हम कौन कौन सा पार्ट खाते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 10 का सी, ठीक है ना। तो जो कोलोसिया होता है, अरुई की सब्जी आपने सुनी है ना, अरुई को ही बोलते हैं कलोशिया, ठीक है ना। फिर ओनियन और गार्लिक, इन सब का हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिफिशेंसी डिजीज शो इन द सिम्टम, देखिए उसके लेग और पतले हो गए हैं, उसकी जो बेली है वो पॉट जैसी हो गई है, डायरिया, पैचेस ऑफ स्किन, इरेबिलिटी, तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका न्यूट्रिएंट्स भी पूछा गया है। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, ये है आपकी क्वासिकोर की, और क्वासिकोर की बीमारी किससे होती है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 में क्या है, रिफर द ग्रुप 1/3, ईच ग्रुप कंटेन द ओल्ड मेंबर, ऑड मेंबर, आइडेंटिफाई द ऑड मेंबर ईच ऑफ द ग्रुप, सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम, ठीक है। तो इसमें से डिफरेंट क्या है, इसमें से डिफरेंट है आपका आयोडीन, क्या है, आयोडीन। उसके बाद अगला क्या है, सेकेंड नंबर विटामिन ए बी डी और ई, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, विटामिन बी, और यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ऑयल, चीज़, बटर एंड घी, तो इसमें जो अलग है वो है आपका चीज़। अब बताता हूँ क्यों गड़बड़ है, ठीक है। देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्या होते हैं, ये माइक्रो मिनरल है। माइक्रो मिनरल का मतलब क्या है, ये हमको हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए, ठीक। लेकिन जो आयोडीन है वो क्या है आपका, माइक्रो है, हमको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, क्या आपका, आयोडीन, ठीक, हमारी बॉडी को इतना ही नीड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विटामिन ए डी ई जो होते हैं, ये आपके कौन से विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी होता है, ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। फिर है 3rd नंबर, ऑयल, चीज़, बटर एंड घी, तो यहाँ पे चीज़ जो होता है, चीज़ दोस्तों आपका प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन होता है इसमें, बाकी ऑयल, बटर और जो घी है ये आपके किस में रिच होते हैं, फैट में, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा आपका आयोडीन, विटामिन डी और चीज़, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इन ग्रुप में ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, आर ओ सी टू 2 फूड सैंपल एक्स एंड वाई, आर ओ सी के पास 2 फूड सैंपल हैं एक्स और वाई, और से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखती है, 2 से 3 ड्रॉप द जो बेंडेक्स सॉल्यूशन होता है उसे सैंपल एक्स में डालती है और इसे हीट करती है, वाई सी 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉसिक सोडा इन द फूड सैंपल वाई, और वो क्या करती है कि दूसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कुछ बूंदे और कास्टिक सोडा की कुछ सॉल्यूशन सैंपल वाई में डालती है, ठीक है, और सेटअप रखती है, कुछ मिनट तक देखती है, सी ऑब्जर्व द सैंपल एक्स ब्रिक रेड, और वो देखती है कुछ टाइम के बाद कि जो सैंपल एक्स था वो ब्रिक यानी कि ईंटे के जैसा लाल हो गया है, और वाई जो था वो पर्पल कलर का हो गया था, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई क्या है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स। तो एक्स में क्या है, एक्स में शुगर है, और वाई में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखिए विटामिन बी थ्री का सोर्स क्या है, ठीक है। तो जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, पिलाग्रा होता है, यानी कि सही से आप नहीं खाएंगे सारे अनाजों को तो आपको पिलाग्रा हो जाएगा विटामिन बी थ्री। फिर है नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए से, किससे होता है, विटामिन ए से, ठीक है। और इसके रिसोर्स क्या है, कैरेट यानी कि गाजर। फिर देखिए विटामिन डी सनलाइट से मिलता है हमें, और इसकी डिफिशेंसी से हमें क्या होता है, तो इसकी डिफिशेंसी विटामिन डी की डिफिशेंसी होता है रिकेट्स। विटामिन सी आंवला, खट्टी चीज़ों में आंवला होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, होल ग्रेन्स, विटामिन ए, रिकेट्स और स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, लिखा है फैट सॉ फैट डिपॉजिट आवर बॉडी एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम इंजर, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे फैट्स बॉडी में होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं और शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, और हमारी बॉडी को इंजरी से क्या करते हैं,
प्रोटेक्ट करते हैं, सेकंड नंबर क्वासी को, तो ये सही है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको खोजना है। क्वासीकोर इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देखिए क्वासीकोर जो होता है वो प्रोटीन की कमी हो सकता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से, तो यही आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये गलत है। फिर थर्ड नंबर पढ़ लेते हैं, रफेज नाइदर रिलीज एनर्जी नॉर हेल्प इन टिश्यूज और बॉडी बिल्डिंग। तो रफेज जो होता है वो तो ना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ठीक दे रखा है, ठीक, ये मतलब सही बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन गलत यहाँ पे सेकंड था। स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम्स टर्न ब्लूज ब्लैक कलर अंडरगोइंग। देखिए स्टार्च अगर किसी भी है तो वो आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ब्लूज ब्लैक कलर देता है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन क्या दे रखा है, सिर्फ सेकंड, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या रख रखा है, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल एक्स वाई एंड जेड कैप्ट इन द कैप्टिविटी, प्लेंटी ऑफ प्लांट्स आर द प्रेजेंट इन द एरिया। ठीक है, द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म प्लॉटेड एट ग्राफ। देखिए तो इसमें हमें पढ़ना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कैसे बताएंगे देखिए समझिए, यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्स कुड बी कार्निवोरस दैट फीड्स ऑन द जेड नॉट ऑन वाई। तो देखिए एक्स जो है वो कार्निवोरस है, ठीक है ना, तो ये कार्निवोरस हो पाएगा, ठीक है, चलिए कार्निवोरस है और ये किन किन को खाता है, वाई को खाता है, तो ठीक है ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही है कि एक्स वाई को खाता है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, सॉरी एक्स जेड को खाता है, ठीक है, चलिए देखिए एक्स, देखिए एक्स जेड को खाता है, कार्निवोरस है, तो मान लीजिए ये कोई जानवर है, ठीक, तो इसको एक्स अगर खाता रहेगा लगातार तो जेड की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रही है, और एक्स की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है। बी नंबर पर आते हैं, बोथ एक्स एंड वाई शुड बी हर्बीवोरस। तो एक्स और वाई दोनों क्या हर्बीवोरस हो सकते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, एंड जेड कुड बी कार्निवोरस, जेड क्या होता है, कार्निवोरस हो सकता है, हुज पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू प्रे ऑन बोथ एक्स एंड वाई। तो देखिए ये भी बात यहाँ पर ठीक दे रखी है कि एक्स और वाई क्या है आपके हर्बीवोरस हैं, ठीक, जेड कुड भी कार्निवोरस, यानी कि जेड ऐसा है जो कार्निवोरस है, यानी कि जो जानवरों को मार के खाता है, ठीक, ये भी ठीक है, हुज पॉपुलेशन डिक्लाइन एज इट डज नॉट प्रे ऑन बोथ एंड एक्स एंड वाई, ठीक है ना, तो देखिए और इसकी संख्या इसलिए कम हो जा रही है क्योंकि ये शिकार नहीं कर पा रहा है, ना तो एक्स का और ना तो वाई का, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है इसी वजह से इसकी संख्या घट रही हो, क्योंकि इसको खाने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिलेगा तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, वो मरेंगी, ठीक। सी नंबर पर आते हैं, सी क्या लिखा है, इफ एक्स एंड वाई आर हर्बीवोरस, एक्स और वाई क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए, देन एक्स है द हायर रिप्रोडक्टिव परसेंटेज। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों हर्बीवोरस हैं और एक्स की संख्या देखिए टाइम के साथ बढ़ रही है, तो हो सकता है कि एक्स जो है बच्चा पैदा करने में ज़्यादा सक्षम हो, ठीक, और उसकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका गलत दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, 17 पे हमें क्या करना है, रिफर टू द गिवन विन डायग्राम, यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ठीक है, तो देखिए लिखा है वाई में विटामिन स्टोर इन द फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे, और विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में है तो विटामिन के होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है, विटामिन दैट सिंथेसाइज ऑफ द बॉडी, तो दो विटामिन हमारे बॉडी में रहते हैं, कौन से, डी के। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी, देखिए लिखा है एक्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स इन द चिल्ड्रन वाइल की वाई कीप्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वेन डायग्राम में जो एक्स है और एक्स वाई जेड है, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है विटामिन डी को, ठीक है, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विटामिन ई को, तो विटामिन ई जो है हमारे रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ पे विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन डी और ए, ठीक है, अब इसके बाद जो विटामिन जेड है, ठीक है ना, जेड है वो विटामिन के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, विटामिन के को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जेड वाला, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और
जो पेलाग्रा बीमारी है वो आपके विटामिन बी3 से होती है। विटामिन बी जो होते हैं, विटामिन बी में कई तरीके के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 और फोलिक एसिड भी होता है, और इसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आपसे पूछा था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो एक्स है, एक्स में आपका क्या है, नॉर्मल ग्रोथ, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और चिल्ड्रेन वाई की सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वाई में विटामिन ए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें ये विटामिन चाहिए, विटामिन ई। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें आंसर बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड अंदर करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाई कैन कॉजेस मेरास्मस। देखिए वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इन इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, देखिए इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए वाई में क्या है कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेस वाई कैन बी मरास्मस, तो देखिए इनऑर्गेनिक मैटर अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको मरास्मस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है नो, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 19 क्या है, W से Z तक हमें इन सब चीज़ों को करना है। पहला देखिए इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर डी, कैसे, एडिबल पार्ट ऑफ जेड एट सेम एज द एडिबल पार्ट ऑफ द कैरेट, तो एडिबल पार्ट ऑफ जेड, तो जेड का एडिबल पार्ट क्या है, देखिए जेड क्या है, वीट है, यानी कि गेहूं है, तो गेहूं का हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, और कैरेट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो कैरेट का हम पार्ट खाते हैं रूट, तो रूट और सीड दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये हो गया, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, डाइकोमोटस की यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा, इट इज़ कैरेक्टराइज द एनर्जी गिविंग फूड गो टू सेकेंड, ये एनर्जी गिविंग फूड है और सेकेंड नंबर पे जाएंगे, तो लिखा है इट नीड्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस पहले लिख लेते हैं, वाटर इन सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में क्या सॉल्युबल होता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, और इट इज़ सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि पानी में क्या सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में क्या नहीं घुलता है, तो हो जाएगा फैट। ठीक, फिर है इट इज़ नॉट नीडेड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या चाहिए हमें, कैल्शियम चाहिए और आयरन चाहिए, ठीक ना, कैल्शियम और आयरन चाहिए फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ कि हीमोग्लोबिन की वजह से, आयरन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिफिशेंसी ऑफ एस कॉजेस एनीमिया। ठीक है ना, तो देखिए हीमोग्लोबिन की अगर आपको कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैरेक्टराइज द पेल ऑफ द बॉडी कलर, बॉडी फटीग, और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का कलर फीका पड़ जाता है और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। ठीक है ना, चलिए तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ लिया, और ग्वाइटर के कॉज से क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, क्यू कुड ग्लूकोज विच इज़ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या क्यू आपका क्या है, क्यू यहाँ पे आपका क्या लिख रखा है, फैट लिख रखा है, तो क्या इंस्टेंट एनर्जी देता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो है वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही बनेगा, मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस नंबर पे अगर कुछ पे करना चाहते तो कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वीडियो देख के आपको कैसा लगा, वीडियो देख के मज़ा आया कि नहीं आया, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।